देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो के यूजर्स को आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जियो नेटवर्क के डाउन होने के कारण यूजर्स को कॉलिंग और इंटरनेट के इस्तेमाल करने में समस्या आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में हैशटैग जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने जियो का नेटवर्क डाउन होने की शिकायत की। कुछ यूजर्स ने लिखा कि जियो का नेटवर्क कई घंटों से काम नहीं कर रहा है। कई यूजर्स ने लिखा कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बाद अब जियो का नेटवर्क भी डाउन हो गया है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक करीब 4000 यूजर्स ने जियो नेटवर्क के डाउन होने के बारे में रिपोर्ट की। नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत सबसे पहले आज सुबह 9:30 के आसपास दर्ज की गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर और रायपुर के आसपास के इलाकों में नेटवर्क काफी वक्त तक डाउन रहा। सबसे ज्यादा समस्या मध्य प्रदेश में देखी गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में अभी भी जियो के ग्राहकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि ऐसा कनेक्टिविटी में आई समस्या की वजह से हुआ है, लेकिन कंपनी ने नेटवर्क डाउन होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। जियो का नेटवर्क नहीं आने से लाखों ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। जियो के नेटवर्क में आ रही दिक्कत के चलते यूजर्स न तो किसी को कॉल कर पा रहे थे और न ही किसी का कॉल रिसीव कर पा रहे थे। इसके अलावा यूजर्स को इंटरनेट यूज करने में भी खासी परेशानी हुई। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां जियो के आगे दूर दूर तक नहीं टिकती। जियो आज सब्सक्राइबर्स के मामले में देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी है। देश के मोबाइल सर्विस मार्केट में जियो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। भारत में जियो के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इस साल जुलाई में जियो के एक्टिव मोबाइल ग्राहकों की संख्या 61 लाख बढ़ी। जियो की देश में मोबाइल सर्विस कारोबार में 35.54% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अच्छी और सस्ती सर्विस के दम पर जियो टेलीकॉम मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही है। जियो ने 5G नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन नेटवर्क में ऐसी समस्या जियो का खेल बिगाड़ सकती है। इससे पहले सोमवार को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की सर्विसेज कई घंटों तक जाम रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब दुनिया भर में तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विस घंटों तक बंद रही। इससे दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स को परेशानी हुई थी। इससे फेसबुक के शेयर में भी गिरावट आई और एक ही दिन में कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ 6.11 अरब डॉलर कम हो गई। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।